नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और लगातार आपको कोरोना से संबंधित खबरों के अपडेट की जानकारी दी जा रही है समाचार क्यारी चैनल के माध्यम से। जी हां, झज्जर से बड़ी खबर आ रही है। झज्जर के डीसी जितेंद्र कुमार ने घोषणा की है, लॉकडाउन में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। डीसी झज्जर ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति दी है। वहीं डीसी झज्जर ने घोषणा की है कि आवश्यक वस्तुओं की दुकान खुलने का समय निर्धारित कर दिया गया है। अब सुबह 7 से 10 व सायंकाल के समय में 4 से 7 बजे तक ही खुलेंगी किरियाना की दुकानें। जी हां, गौर से सुनिए, केमिस्ट शॉप रहेगी नियमित तौर पर खुली, बाकी सभी दुकानें 7 से 10 बजे तक सुबह व शाम को 4 से 7 बजे तक खुलेंगी। आइए विस्तार से आपको समाचारों की जानकारी दे देते हैं। वैश्विक महामारी घोषित किए गए कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के मद्देनजर झज्जर जिला में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाए जाएंगे। जी हां, यह आदेश दिया है झज्जर के डीसी ने। 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी, जबकि बिना किसी कारण से घर से बाहर निकलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। डीसी ने कहा कि कोरोना वायरस रोग एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से इस महामारी के फैलने का अंदेशा बना रहता है, जिसके दृष्टिगत संपूर्ण जिला झज्जर के सभी गांवों व स्थानीय निकाय झज्जर शहर बहादुरगढ़ बेरी बादली में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगा दिया गया है। जिलाधीश ने पंजाब विलेज एंड कानून के तहत, जी हां, पंजाब विलेज एक्ट पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3A के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला की सभी ग्राम पंचायतों स्थानीय निकायों को ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। और यही कहा गया है कि इन आदेशों की पालना कराने की जिम्मेदारी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत, सभी तहसीलदार, उप तहसीलदार, संबंधित कार्यकारी अधिकारी पालना करेंगे। जी हां, आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पंजाब एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। वहीं दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है, उसमें कहा गया है कि सभी दुकानों का समय निर्धारित कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि केमिस्ट शॉप को छोड़कर झज्जर जिले में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी किराना की दुकानें, जबकि सायंकाल 4 से 7 बजे तक ही खुलेंगी। कोरोना वायरस से बचाव का सबसे साधारण उपाय है घरों में रहना, किंतु यह जानकारी में आया है कि कुछ लोग बेवजह घूमने के लिए घरों से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में मामले की गंभीरता को लेते हुए अब बिना किसी काम के घर से बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस से भी सख्ती बरतने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण खबरें आपने सुनी है, ठीकरी पहरा और केमिस्ट शॉप और जो किराना की दुकानें हैं उनके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। वहीं जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बता दूं कि लगातार जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो सहयोग कर रही हैं हरियाणा सरकार का। परनाला के सूबे सिंह ने 1 लाख रुपए की राशि का चेक दिया है। SDM तरुण पावरिया बहादुरगढ़ ने कहा है कि जीवन में परोपकार की भावना का होना भी बेहद जरूरी है। तीसरी, जी हां, वैश्विक महामारी से निपटने के लिए प्रशासन सजग है, दावा किया है डीसी झज्जर ने और कहा है कि शेल्टर होम में मौजूद प्रवासी श्रमिकों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा रही है। जी हां, जिस तरह से रोड पर आपको मजदूरों की टोली नजर आ रही थी, उसके लिए शेल्टर होम की व्यवस्था कर दी गई है। झज्जर, बेरी, बादली व बहादुरगढ़ SDM कर रहे हैं शेल्टर होम की मॉनिटरिंग। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की निरंतर हो रही है अपील। जी हां, झज्जर जिले में अब तक 52 अस्थाई शेल्टर होम चल रहे हैं, जिनमें मंगलवार को दोपहर बाद 1021 व्यक्तियों को ठहराया गया है। डीसी झज्जर ने जानकारी दी है, प्रशासन की ओर से प्रवासी श्रमिकों व जरूरतमंद लोगों की संख्या के अनुसार शेल्टर होम में लोगों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है तथा चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हुए नियमित तौर पर स्वास्थ्य जांच की जा रही है। झज्जर में 22, बहादुरगढ़ में 26, बेरी में 2, बादली में 2 अस्थाई। जी हाँ, इस तरह से जो शेल्टर होम है उनमें जिला झज्जर में अब तक 17,780 फूड पैकेट स्थानीय NGO व जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराते हुए वितरित किए हैं। वहीं SDM सिखा ने शेल्टर होम में वितरित की है आवश्यक सामग्री और नगर पालिका सचिव अरुण नांदुल सहित नगर पालिका के वाइस चेयरमैन प्रवीण गर्ग तथा अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा जरूरतमंद लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी क्रम में बेरी के SDM डॉक्टर राहुल नरवाल, बहादुरगढ़ के SDM तरुण पावरिया, SDM बादली विशाल
संबंधित शेल्टर होम के साथ ही लॉकडाउन की हर परिस्थिति में नजर रखे हुए हैं। इन शेल्टर होमों में प्रवासी मजदूर रुके हुए हैं, उनके खाने पीने व रहने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से बेहतर तरीके से की गई है। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता प्रवासी श्रमिकों व जरूरतमंद लोगों को कराई जा रही है। किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो इसके लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। नगर पालिका सचिव समेत तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो इसमें आगे आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुलिया खाप सोंधी के चबूतरे पर सरपंच अशोक की अध्यक्षता में शेल्टर होम चालू किया गया है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को सभी रहने खाने पीने की सुविधाएं प्रदान की गई है। और समाचार कैरी की विशेष अपील, आप सभी लोग अपने घरों पर रहें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें और कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी से निपटने में अपना प्रशासन और सरकार को सहयोग करें। धन्यवाद।